At midnight on November 8, rupees 14 lakh crores or 86% of Indian currency became defunct after government's crackdown on black or unaccounted money. There are 2.4 million power looms in India, employing 6.1 million people. Maharashtra has the highest number of power looms in the country with 8 lakh power looms. IndiaSpend visited the power loom hub of Malegaon in Nashik district to find Notebandi's impact. कसं झालं आमचं की काम म्हणजे जे आम्ही हप्त्यातून सहा दिवस काम करत होतो ते आता तीन दिवस राहिलं नोटबंदीमुळे हा फरक पडला. बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा हो गई है. मजदूरों को पैसा देने के लिए नहीं है. दो तीन हफ्ते से मजदूर को ऐसा किए कि आप पाँच पाँच सात सात सौ रुपया दे दिए और कारखाना बंद कर दिए. कारखाना तीन दिन चल रहा है फिर. और पहला कितने दिन चल? पहले छः दिन चल रहा. एक वर्कर सरासरी हप्त्याला 3,000 रुपये काम करत असतो होता, परंतु ह्या नोटबंदीमुळे तो आता कारखाने 2-3 दिवस चालत असल्यामुळे 1,012 रुपये काही ते बंद पडले. हां काही म्हणजे 70% कारखाने आता बंद आहे. खूप असर झाला आहे. आता माझा ट्रॅक्टरचा व्यवसाय आहे. तर 15 दिवसापासून ट्रॅक्टर बंद आहे माझं. लेबरांना द्यायला माझ्याकडे म्हणजे पगार नाही. अभी 3-4 दिन जैसा एडजस्टमेंट है वैसा चला रहे हैं धीरे धीरे. अब बंद भी नहीं कर सके ना. लेबर भी है बेचारे, सब छोटे मोटे गरीब है, इसीलिए बंद भी नहीं रख सकते. पावर लूम जो है ना सेंटर, इससे पहले भी हमने कई मूवमेंट चलाए. ये नुकसान में ही चल रही है ये इंडस्ट्री. बस आस के ऊपर एक है हम लोग कि आज निकल अच्छा हो जाएगा, आज निकल अच्छा हो जाएगा. वाले गांव का जो पूरा दारो मदार टिका हुआ है लूम इंडस्ट्रीज पे टिका हुआ है, अगर उसका चक्का जाम हो गया तो समझो पूरे गांव का निजाम धर्म भरम हो जाता है. आसपास के देहातों का निजाम धर्म भरम हो जाता है, चाहे वो सेतकारी हो या छोटे मोटे कारोबार करने वाले हो, चाय होटल पान टपरी रिक्शा वगैरह सब चीज़ की मंदी आ जाती है अगर मालेगांव के अंदर पावर लूम इंडस्ट्री बंद हुई तो.